सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विषय में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीप कॉन्फिगर करके दिखाऊंगा। रीप एक्चुअली जो होता है ना, वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, यानी कि एक डायनेमिक प्रोटोकॉल होता है। इसके थ्रू आप एक नेटवर्क के साथ दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेशन करवा सकते हैं बाई यूजिंग द रीप, यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो रीप का जो वर्जन है, वर्जन 2 यूज़ करके मैं आपको कम्युनिकेशन करके बताऊंगा कि एक राउटर के साथ दूसरे राउटर को कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो रीप जो होता है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, एंड ए जो होता है वो होप काउंट, यानी कि राउटर टू राउटर या पीसी टू पीसी जो भी है वो होप काउंट के थ्रू वो काम किया जाता है रीप में। ठीक है, तो चलिए आप कॉन्फिगर करके बताता हूँ आपको तो कैसे करना है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मैं एक बेसिक स्टार टोपोलॉजी इसमें ड्रॉ किया हूँ, जिसमें ए जो है वो 2 स्विच है मेरे पास, ए वाला, एंड ए जो है वो राउटर है, एंड 3 पीसीस कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जो आईपी दूंगा मैं इसका 10 का नेटवर्क का दूंगा, 10.0.0.1, एंड सीरियल पोर्ट को दूंगा 20.0.0.1, एंड इसमें दूंगा 20.0.0.2, एंड इसमें आएगा 30.0.0.1। ठीक है, तो इतना ही कॉल करना है। पीसी को आईपी जो देंगे, ए वाला को 10 से स्टार्ट होगा, 10.0.0.2। ठीक है, 3 दूंगा ए भी 30.0.0.1, एंड इसको 2, इसको 3। ठीक है, तो चलिए कर लेते बेसिक स्टार, बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो इसमें जाने के बाद नो इनेबल एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, अभी टर्मिनल ले लेते हैं, INT G0 जो टर्मिनल कनेक्टेड है लेना है। उसके बाद आईपी 10.0.0.1 255.0.0.0 सबनेट मास्क नो सर। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सिट। ठीक है, INT एस का ले लेते हैं, एस 0/2/0 आईपी एड्रेस। ठीक है, 20.0.0.1 255.0.0.0, एंड उसके बाद ब्लॉक रेट आ जाएगा क्योंकि DD साइड है, ब्लॉक रेट 640 640 00। ठीक है, सॉरी 0 ज़्यादा हो गया। ओके, उसके बाद 69। ठीक है, अभी इसमें भी सेम कॉन्फिगर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नो एनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल। ठीक है, INT 0/0/0। ठीक है, इसके बाद आईपी एड्रेस 30 का दूंगा मैं, आईपी एड्रेस 30.0.0.1 255.0.0.0 उसके बाद 69। ठीक है, एंड अभी इसको ले लेते हैं सीरियल पोर्ट को, एग्जिट। ठीक है, INT A0/2/0 उसके बाद आईपी एड्रेस 20.0.0.2 255.0.0.0 उसके बाद 69। ठीक है, इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि पीसी को आईपी दे देता हूँ अभी, इसमें डेस्कटॉप में जाके 10.0.0.3.2 10.0.1 एंड मैं दूसरे पीसी में जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें डेस्कटॉप में जाने के बाद इसमें 20.0.0.3 10.0.0.3 एंड वही गेटवे सेम आएगा। ठीक है, 55.0.0.0 ठीक है, सॉरी 10.0.0.1। ठीक है, दोनों को ही मैं कर रहा हूँ तो तीनों में सेम ही चीज़ होगा। ठीक है, तो फालतू टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। 10.0.0.0.2 30.0.0.0.1 ठीक है, एंड इसमें भी 30.0.0.3 30.0.0.1 ठीक है। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं अगर मैं पिंग करूँ राउटर को तो लोकल राउटिंग जो है वो पिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे पिंग करवाना है इस पीसी से लेके इस पीसी को, लेकिन ये फेल्ड है। ठीक है, तो अभी रिप रिप यूज़ करके मैं कॉन्फिगर करूँगा। ठीक है, देखिए देखिए फेल है। ठीक है, तो रिप यूज़ करूँगा मैं, तो कमांड चलिए कर लेते हैं एग्जिट। ठीक है,
कमांड आएगा राउटर रिप, ठीक है, तो वर्जन देख सकते हो टू, ठीक है। नेटवर्क देना है, मेरा नेटवर्क है 20.10.0.0.0 एक नेटवर्क है, एंड दूसरा नेटवर्क है मेरा 20.0.0.0, ठीक है, इतना ही लिखना है। एंड इसमें भी मुझे देना है 20 का नेटवर्क, 20 इज अ ब्रिज नेटवर्क विच इज कनेक्टेड टू द बिटवीन टू राउटर्स, ठीक है, राउटर रिप वर्जन वर्जन टू, टू को यूज़ कर रहा हूँ, आप वन भी यूज़ कर सकते हैं, तो टू। उसके बाद इसका नेटवर्क आएगा, नेटवर्क, ठीक है, 20.0.0.0 एंड नेटवर्क 30.0.0.0। 20 इज अ ब्रिज नेटवर्क विच इज कनेक्टेड, फिर से बोल रहा हूँ, दो राउटर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो 20 के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं पिंग करके देखता हूँ कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पिंग कर रहा हूँ मैं इसके, तो अभी देखिए वो सक्सेसफुल गया, इसके थ्रू इसको सक्सेसफुल गया, फर्स्ट टाइम वो फेल होगा फिर सक्सेसफुल हो जाएगा, हो गया। तो पिंग करके आप देख सकते हैं 30 नेटवर्क पिंग 30.0.0.2, तो देखिए रिप्लाई आ रहा है। तो ऐसे करके रिप का यूज़ कर सकते हैं, रिप का यूज़ करके आप राउटिंग कर सकते हैं। रिप इज अ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज यूज टू कनेक्टेड टू राउटर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।